गैस, आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में। एक्चुअली ये यूपीआई क्या है और ये कैसे वर्क करता है, एंड इस चीज़ से अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है, जो अमेरिकन्स है उनको क्या दिक्कत है, अमेरिकन्स गवर्नमेंट है उसको क्या दिक्कत है, एंड जो वीज़ा एंड मास्टर कार्ड है इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है यूपीआई से। तो यहाँ पर फुल डिटेल में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिल्कुल भी आपको वीडियो स्किप नहीं करना। तो चलिए अपना वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, सिंपल सा जो है फुल फॉर्म है। अब देखिए, यूपीआई से अमेरिका को क्या दिक्कत है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि यूपीआई वर्क कैसे करता है। दिक्कत अमेरिका को क्या, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यूपीआई देखिए बेसिकली वर्क करता है, यूपीआई एक मनी ट्रांसफ़र प्लेटफॉर्म है। आप पैसे को कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, कहीं से भी रिसीव कर सकते हो। अब इससे होता क्या है, यहाँ पर आपको एक पैसे का भी चार्ज नहीं लगता है, और ये बेसिकली इंडिया का ये प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर जो इंडियंस हैं इनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। इंडियन से कोई भी किसी भी तरह का एक भी पैसे का चार्ज नहीं लगता। आप चाहे तो किसी को कितने बार भी पैसा ट्रांसफ़र करो, कितने बार एक्सेप्ट करो यूपीआई आईडी के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं आती है, ना ही तो कोई एक भी पैसा लगता है उस चीज़ से। अब देखिए, इसके बाद बात कर लेते हैं हम वीज़ा एंड मास्टर कार्ड की। अब वीज़ा एंड मास्टर कार्ड इस चीज़ से क्यों परेशान है, जब से यूपीआई आया तब से हमें जो है एक भी पैसे का चार्ज नहीं देना पड़ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कभी भी पहले जब यूपीआई नहीं था उससे पहले कहीं पे भी मॉल वगैरह में अगर हम शॉपिंग करने जाते, या फिर कहीं पर भी हम एक्स वाई जेड किसी भी जगह पर हम पेट्रोल पंप या कहीं पे भी कार्ड का यूज़ करते थे, वीज़ा एंड मास्टर वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड का, तो वहाँ पर हमें 2% का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता था। जैसे कि अगर हमने मॉल पे कोई सौदा खरीदी, कोई सामान खरीदा, कोई कपड़े खरीदे, तो फिर हमें वहाँ पर अगर हमारे पास यूपीआई नहीं, हम कार्ड से पेमेंट करना चाहते, तो हमें 2% का एक्स्ट्रा चार्ज लगता था। बट यूपीआई आने के बाद से हमें एक पैसे का भी चार्ज नहीं लगता है। वहाँ पर क्यूआर कोड लगा होता है, उसे स्कैन करके पैसे पे कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर का यूज़ करके हम, या फिर यूपीआई काफ़ी सारे वहाँ पे ऑप्शंस दिए जाते हैं। बैंक अकाउंट के थ्रू भी आप लोग फ्री में बिल्कुल एक भी पैसा नहीं लगता, आपसे एक्स्ट्रा चार्ज तो लगेगा ही नहीं, बिल्कुल यूपीआई से आप पे कर सकते हैं। यही इसको लॉस हो रहा है। पहले इसके एक्टिव यूजर्स ज़्यादा थे, यूपीआई नहीं था, इसी के यूजर्स थे टोटली, तो 2% का जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता था, इससे इसे बहुत बड़ा प्रॉफिट होता था। अब देखिए, इस चीज़ से अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है अमेरिका में भी यूपीआई जैसा ही और सिस्टम चलता है, बट यूपीआई जितना बेटर नहीं, इसके जितना अच्छा काम नहीं करता, एंड बिल्कुल फ्री नहीं है। वहाँ पे कुछ चार्जेस लगते हैं अमेरिकन जो नागरिक हैं उनसे, ठीक है, लेकिन ये जो यूपीआई है बिल्कुल फ्री है, और इंडियंस के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है ये। और यही यूपीआई को देखते हुए वहाँ के लोग जो है गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे हैं कि इस तरह का कोई हमारे यहाँ भी सर्विस होनी चाहिए, जिससे कि हम लोग फ्री में कितना भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कितने भी बार कोई भी एक भी पैसा नहीं लगे। बट अमेरिका में एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, 2.5% का चार्ज लगता है, आई थिंक लगता है, मुझे फुल नॉलेज नहीं इसके बारे में। एंड जो अगर यूपीआई यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक पैसे का भी हमें जो है चार्ज नहीं देखने को मिलता है। तो इसी को देखते हुए कुछ कंट्रीज हैं उन्होंने यूपीआई को एक्सेप्ट किया, जैसे कि अपना भूटान हो गया, दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, ठीक है, इन्होंने जो है यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ पर यूपीआई प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और 10 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि एक्सेप्ट करने वाली हैं, जिन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है यूपीआई को अपने कंट्री में लाने की। अब इससे देखिए प्रॉफिट क्या होगा, अगर हमारा जो यूपीआई है काफ़ी कंट्रीज़ में पहुँच जाता है, अवेलेबल रहता है काफ़ी कंट्रीज़ में, तो ऐसे में हमें क्या प्रॉफिट होगा। मान लीजिए हमारा यूपीआई किसी एक कंट्री में है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अपना भूटान में ही अपना यूपीआई चल रहा है, तो इससे हमें प्रॉफिट होगा कि हमें वहाँ की करेंसी कन्वर्ट नहीं करवानी पड़ेगी, जो अपना इंडियन रुपी है इसे चेंज नहीं करवाना पड़ेगा वहाँ पे। हम अपना डायरेक्ट यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कुछ भी हमें चीज़ लेनी है हम डायरेक्ट अपना क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे, हमें वहाँ पर कोई भी करेंसी चेंज करवाने की दिक्कत नहीं आएगी। एंड वहाँ से जो हमें एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है करेंसी चेंज करवाने का, वो हमसे बिल्कुल भी नहीं लगेगा, और हम कैशलेस होके वहाँ पर घूम सकते हैं। अब यहाँ पर 3 फीचर्स आरबीआई गवर्नर ने यहाँ पर और ऐड किए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स हैं, काफ़ी बढ़िया फीचर्स। देखिए, जो फर्स्ट फीचर यहाँ पे ऐड किया है वो है, अब आपका क्रेडिट कार्ड आपके यूपीआई से लिंक हो पाएगा। अभी तक तो आपका डेबिट कार्ड ही आपके यूपीआई से लिंक होता है, आप जितना पैसा अपने बैंक में डाल के रखते हैं उसे ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसी के साथ ही आप जो कुछ भी करना चाहो कर सकते हो। बट आने वाले कुछ समय में आप अपने क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से लिंक कर पाओगे, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी अगर शॉपिंग वगैरह करना चाहते हो तो यूपीआई से इजीली पेमेंट कर पाओगे। और जो सेकंड हमारा ऑप्शन आता है, सेकंड जो फीचर आता है वो है यूपीआई लाइट। अब यूपीआई लाइट कैसे वर्क करता है इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि यूपीआई लाइट विदाउट इंटरनेट के वर्क करता है, अगर आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं है ये आपका इजीली काम निकाल देगा। कैसे होगा,
आप लोगों को 2000 तक अपने यूपीआई लाइट में ऐड करना है पैसा, और जो 2000 रुपये आप अपने यूपीआई लाइट में ऐड करेंगे पैसे, जैसे कि एक तरह से हम वॉलेट में ऐड करते हैं वैसे ही आपको इसमें ऐड करना होगा। अगर हम इसमें ऐड कर लेते तो यहाँ से आप मैक्सिमम 200 का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए किसी दुकान पे आप गए, आपने 150 या 100 रुपये की या फिर 200 रुपये की कोई सौदा खरीदी और आपके में नेट नहीं है, तो आप वहाँ से ऑफलाइन भी अपने जो यूपीआई लाइट का यूज़ करके वहाँ से पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन लिमिट होगी सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये ही एक बार में कर सकते हो, और ऑल ओवर आप 2000 ही कर सकते हो। अगर आपने यूपीआई आईडी में ऐड करके रखे हैं, यूपीआई लाइट में ऐड करके रखे हैं 2000 रुपये, तो 2000 ही कर पाओगे और 2000 ही मैक्सिमम ऐड होते हैं वहाँ पे। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड वाला जो फीचर है वो है ऑटो पे। वैसे ये तो 2020 से चल रहा है, बट इसके बारे में अवेयर बहुत कम लोग हैं, तो मैंने सोचा इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए ऑटो पे का सिस्टम क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ फाइनेंस पे लिया, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, आपका बाइक हो गया, कुछ भी चीज़ हो गई, या नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करना, किसी का भी रिचार्ज करना, तो आप उसे ऑटो पे पर लगा दो। आप अगर उसे ऑटो पे पर लगा देते हैं, 1 महीने बाद आपको अगर किसी चीज़ की किस्त भरनी है तो उसे ऑटो पे पर लगा दिए, ऑटोमेटिक आपकी अकाउंट से वो जो पैसा होगा वो कटता रहेगा और उसका किस्त बाकायदा चलता रहेगा। तो ये ऑटो पे का भी फीचर काफ़ी बढ़िया है, जो कि 2020 में आ चुका था, बट काफ़ी लोग यूज़ नहीं कर रहे, काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता है। तो गाइस ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी यूपीआई से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।